सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन है, FRP लॉक लगा के भूल जाते हैं, आपको यहाँ पर टाइप करना है स्किप, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं, उसके बाद आपका FRP घर बैठे फ्री में अनलॉक हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे ऑल सैमसंग का FRP लॉक के बारे में। अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन है, आप घर बैठे ही फ्री में बिना कंप्यूटर का आपका FRP को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन है ना, तो यहाँ पर आपको वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी वाईफाई कनेक्ट है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। आपका यहाँ पर 2 मिनट में आपको ओनली 1 कोड को अप्लाई करना है और आपका स्मार्टफोन फ्री में अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं करना क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इमरजेंसी कॉल का एक ऑप्शन शो कर रहा है, आपको सेलेक्ट कर दीजिए। इमरजेंसी कॉल में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इमरजेंसी कॉल इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक 100% वर्किंग कोड दे रहे हैं, इस कोड को आपको इमरजेंसी कॉल में डायल कर देना है। कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन है, अगर आप जीमेल अकाउंट लॉक लगा के भूल चुके ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस कोड को डायल कर देना है। ये कोड पूरी तरह से 100% वर्किंग है, लेकिन 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 ये कोड ओनली मार्च 2024 में आपका वर्क करेगा, ध्यान देना है बात को। दूसरा मंथ ये कोड आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इस कोड को आप डायल कर दीजिए मार्च 2024 में। उसके बाद डायल करने के बाद यहां पर देखिए कॉलिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहां पर 1 टाइम आप कॉलिंग कर दीजिए। कुछ इस तरह से एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहां पर जो भी कोड रहेगा वो बिल्कुल यहां से हट जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको बैक आना है, अभी भी आपका स्मार्टफोन में लॉक लगा रहेगा। वीडियो को कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होगा, ध्यान देना बात को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है ओनली इस कोड को 1 टाइम कॉलिंग करने के बाद। उसके बाद यहां पर डाउन नोट कॉपी करते हैं, तो आगे जाके आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, बैक करते हैं। अब यहां पर आपको बताएंगे कौन सा सेटिंग्स आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए यहां पर ऐड नेटवर्क का जो ऑप्शन दिख रहा है, सेलेक्ट कर दीजिए। ऐड नेटवर्क में ऐड नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, आप सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको एक चीज़ टाइप करना है। टाइप क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है स्किप, लिखना है स्किप लिखना है, ठीक है, ध्यान देना है बात को। यहाँ पर स्किप लिखना है SKIP, यहाँ पर स्किप लिखना है। चलिए थोड़ा सामने ला के आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको ऐड नेटवर्क में सेलेक्ट करने के बाद स्किप लिखना है, ध्यान देना है स्किप, यहाँ पर आपको टाइप करना है। स्किप टाइप करने के बाद अब यहाँ पर ध्यान देना है करना क्या है, ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कॉपी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको ऑप्शन को आपको क्या करना है, ओनली कॉपी कर देना है, बस यहाँ पर कॉपी करना है और आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी कर दिए। उसके बाद नीचे में देखिए सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इस तरह से आपका सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। सबसे नीचे में देखिए यहाँ पर रिसेट टू डिटेल सेटिंग्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, सबसे ऊपर नीचे में सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, रिसेट कीपैड सेटिंग्स एंड यहाँ पर क्लियर डाटा। तो यहाँ पर इस दोनों ऑप्शन को पहले रिसेट करना है, उसके बाद क्लियर का जो ऑप्शन है क्लियर डाटा का, उसको क्लियर डाटा करना है। जैसे क्लियर डाटा है रिसेट करते हैं ना, तो आपका जो भी यहाँ पर सब कुछ रिसेट हो जाएगा, फ़ोन आपका रिसेट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन को जो ऑफ है ना, इसको सबसे पहले आपको ऑन करना है, ध्यान देना है ये ऑफ है, ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए टैक्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऐड बोल के एक ऑप्शन दिखना मिलेगा, ऐड वाला ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। चलिए सेलेक्ट करके दिखाते हैं, सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन खुल के आएगा। पहला वाला ऑप्शन में आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन आ रहा ना, पहला वाला में यहाँ पर आपको लिखना है ए लिखना है। ए लिखने के बाद यहाँ पर जो हम लोग स्किप, यहाँ पर लिखना है स्किप, ध्यान देना है यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से स्किप लिखना है Answer 2 में, ठीक है। Answer 1 में ए लिखना है और Answer 2 में आपको स्किप लिख देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग स्किप लिख दिए, चलिए आपको थोड़ा सामने ला के आपको भी दिखा दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, नीचे में देखिए ऐड का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पर सिंपल से ऐड कर दीजिए। जैसे ऐड करते देखिए यहाँ पर ऐड हो गया, ऐड होने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको ओनली बैक आना है, बैक आना है, पूरी तरह से बैक आना है होम स्क्रीन में। जैसे आप पूरी तरह से बैक आते हैं ना, तो यहाँ पर सारा आपका रिसेट हो चुका होगा और यहाँ पर देखिए नीचे में आपका स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ओनली यहाँ पर स्किप कर देना है। जैसे आप स्किप करते हैं यहाँ पर डाउन नोट कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर देखिए 100% पूरी तरह से हम लोग का सक्सेसफुल हो गया, गूगल साइनिंग यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपको एग्री करना है, यहाँ पर आपको स्किप करना है और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 करके आपको चलना है। कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन है, पूरा वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आप घर बैठे ही फ्री में 100% इस कोड के मदद से आपका FRP एंड जीमेल अकाउंट लॉक रिमूव हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर देखिए घर बैठे ही फ्री में हम लोग का स्मार्टफोन अनलॉक हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कॉमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो